इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस टू अपॉन, ठीक है। तो यहां पे मॉडुलस कहां जीरो हो रहा है, इस पे हमें ध्यान देना है। यहां पे मॉडुलस कहां जीरो होने वाला है, एक्स पे, जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे मॉडुलस जीरो होने वाली है। मतलब अपने को एक्स ग्रेटर देन जीरो पे बात करनी है और एक्स लेस देन जीरो पे बात करनी है। जहां मॉडुलस जीरो होता है वही बात करते हैं, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन टू, और लेस देन की बात करूं तो ये क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस टू अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन, ठीक। इस पे मैं फोकस करना चाहूंगा, ये जो क्वांटिटी है ना नीचे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू, इसका ए लेस देन जीरो है और डी की बात करूं तो भी लेस देन जीरो है, मतलब ये ऑलवेज निगेटिव है। यदि ये ऑलवेज निगेटिव है तो इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये बात कन्वे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा बच्चे को ये ना परफेक्ट स्क्वायर करके भी, उसको टेंथ का बच्चा है यदि इलेवेंथ में है तो उसको ये बात यदि नहीं उसको आती है तो उसको माइनस कॉमन लेके परफेक्ट स्क्वायर करके आप उसको शो कर सकते हो कि ये बेटा निगेटिव ही ऑलवेज आएगा। तो ऑलवेज निगेटिव है तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस, एक जगह लेके आऊं तो इधर कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, ठीक है। इसकी बात करूं तो ए ग्रेटर देन जीरो है और इसकी बी की बात करूं तो 25 इंटू डी लेस देन जीरो होने वाला है, ठीक है। मतलब ये सिंप्लीफाई होने वाला है, फैक्टराइज कर दूं तो माइनस थ्री माइनस टू, मतलब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, फैक्टराइज कितना हुआ, थ्री एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस वन और उससे माइनस टू कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, ये फैक्टराइज होके आ गया एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का यदि सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री से लेके वन, ये रीजन। अच्छा ये बात कब हो रही थी, एक्स पॉजिटिव के लिए, तो एक्स पॉजिटिव के लिए तो टू बाई थ्री से वन, ये दोनों पॉजिटिव है तो टू बाई थ्री से वन इज एक्सेप्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यदि एक्स ग्रेटर देन लेस देन जीरो की बात करूं तो इसमें क्या होने वाला है, ये तो अभी भी क्या होने वाला है, ये क्वांटिटी अभी भी निगेटिव होने वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया, ठीक है, ये भी लेस देन हो जाएगा क्योंकि निगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर, सही जा रहा है। इधर लेके आया तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, सही बात, ये फिर से फैक्टराइज हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, फैक्टर होके क्या बना, थ्री एक्स कॉमन ले लिया तो एक तो एक्स प्लस वन बनेगा और एक थ्री एक्स प्लस टू बनेगा और लेस देन जीरो, मतलब आंसर कहां से कहां तक आएगा, माइनस थ्री बाई टू माइनस वन से लेके माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू कहीं इधर होगा, टू बाई थ्री है तो माइनस वन इधर होगा माइनस टू बाई थ्री, इसके इंटरवल में क्या दोनों निगेटिव है, बिल्कुल, तो ये आंसर हो गया, मतलब माइनस वन से लेके माइनस टू बाई थ्री यूनियन टू बाई थ्री से लेके वन, तो ये आंसर। इसमें ओपन करना था, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, दो तीन कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, क्या इन्वॉल्व कर रहा है, एक तो कि मॉड जहां पे जीरो होगी वहीं पे ओपन होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। दूसरा बात, ये जो नीचे वाला क्वांटिटी था उसमें ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो अपने चेक किए तो पता चला कि वो क्या होने वाला है, ऑलवेज निगेटिव है। तो यदि ऑलवेज निगेटिव कभी भी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस इनइक्वालिटी आप क्या कीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है।